हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक डिस्क वर्सेस ऑप्टिकल डिस्क। तो आज का क्वेश्चन भी है डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। पहला पॉइंट, मीडिया टाइप यूज्ड इच मल्टीपल फिक्स्ड डिस्क, यानी मैग्नेटिक डिस्क पर जो मीडिया टाइप यूज होता है वो है मल्टीपल फिक्स्ड डिस्क, और मीडिया टाइप यूज्ड इच सिंगल रिमूवेबल डिस्क, और ऑप्टिकल डिस्क पर जो मीडिया टाइप यूज होता है वो है सिंगल रिमूवेबल डिस्क। उसके बाद अगला पॉइंट, इंटरमीडिएट सिग्नल टू नॉइस रेशियो, यानी मैग्नेटिक डिस्क की जो नॉइस रेशियो है वो एक मध्यवर्ती सिग्नल होता है, और एक्सिलेंस सिग्नल टू नॉइस रेशियो, और ऑप्टिकल डिस्क की जो नॉइस रेशियो है वो एक्सिलेंट सिग्नल। उसके बाद अगला पॉइंट, सैम्पल रेट इच लो, यानी मैग्नेटिक डिस्क की जो सैम्पल उसकी जो रेट है वो कम है, और ऑप्टिकल डिस्क सैम्पल रेट इच हाई, यानी ऑप्टिकल डिस्क की जो सैम्पल की रेट है वो ज़्यादा है। उसके बाद अगला पॉइंट, इम्प्लीमेंटेड वेयर डाटा इच रैंडमली एक्सेस्ड, यानी मैग्नेटिक डिस्क पर जहाँ डाटा को रैंडमली एक्सेस किया जाता है वहाँ पर ही इम्प्लीमेंटेड किया जाता है, और इम्प्लीमेंटेड इन स्ट्रीमिंग फाइल्स, यानी ऑप्टिकल डिस्क पर जो स्ट्रीमिंग फाइल होते हैं उन स्ट्रीमिंग फाइल्स में ही इम्प्लीमेंटेड किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, ओनली वन डिस्क कैन बी यूज एट ए टाइम, यानी मैग्नेटिक डिस्क पर एक ही समय में केवल एक ही डिस्क यूज किया जाता है, और मास रिप्लिकेशन इज पॉसिबल, यानी ऑप्टिकल डिस्क पर मास रिप्लिकेशन पॉसिबल होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, ट्रैक्स इन द मैग्नेटिक डिस्क आर जनरली सर्कुलर, यानी मैग्नेटिक डिस्क के जो ट्रैक होते हैं वो आमतौर पर सर्कुलर होते हैं, और इन ऑप्टिकल डिस्क द ट्रैक्स आर कंस्ट्रक्टेड स्पाइरली, यानी और ऑप्टिकल डिस्क की जो ट्रैक होते हैं वो कंस्ट्रक्टेड होते हैं स्पाइरल रूप से। उसके बाद अगला पॉइंट, द डाटा इन द मैग्नेटिक डिस्क इज रैंडमली एक्सेस्ड, यानी मैग्नेटिक डिस्क पर जो डाटा होते हैं उसे रैंडमली एक्सेस किया जाता है, और इन द ऑप्टिकल डिस्क द डाटा इज सिक्वेंशियल एक्सेस, और ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा को सिक्वेंशियली एक्सेस किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इन द मैग्नेटिक डिस्क आर यूज टू स्टोर फाइल डाटा इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन ETC, यानी मैग्नेटिक डिस्क यूज करके फाइल डाटा इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, और ऑप्टिकल डिस्क आर यूज टू म्यूजिक वीडियोज वीडियो क्लिप्स फोटो एंड GIFs, यानी ऑप्टिकल डिस्क की यूज करके म्यूजिक वीडियो वीडियो क्लिप्स फोटो और GIFs को सेव यानी स्टोर किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, मैग्नेटिक डिस्क आर डाटा स्टोर्ड एट ए स्लो स्पीड विथ द हेल्प्स ऑफ मैग्नेटाइज्ड मीडियम, यानी जो मैग्नेटिक डिस्क होते हैं वो मैग्नेटाइज्ड मीडियम से स्लो स्पीड पर डाटा को स्टोर करते हैं, और ऑप्टिकल डिस्क आर डाटा स्टोर्ड एट ए फास्टर स्पीड विथ द हेल्प्स ऑफ लेजर बीम्स, और ऑप्टिकल डिस्क जो होते हैं वो लेजर बीम्स की मदद से तेज गति से डाटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, और ऑप्टिकल डिस्क की जो एग्जाम्पल्स हैं CD, DVD, ब्लूरे डिस्क। तो ये था कुछ डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।